नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं अमित गंगोला अपने इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुमाऊँ में न्याय के देवता कहे जाने वाले भगवान गोलजू के दरबार में। भगवान गोलजू आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, हल्द्वानी से घोड़ाखाल मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर तथा भवाली नगर से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। घोड़ाखाल मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको घोड़ाखाल क्षेत्र के विषय के बारे में बताता हूँ। कहा जाता है कि घोड़ाखाल क्षेत्र का संबंध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की घटना से जुड़ा हुआ है। अवध के क्रांतिकारियों से बचने के लिए एक ब्रिटिश जनरल इस क्षेत्र में भटक गया था। इस दौरान यहाँ पानी पीने के बाद उस अंग्रेज के घोड़े की मौत हो गई, जिसके बाद इस स्थान का नाम घोड़ाखाल पड़ गया। दोस्तों, जिस स्थान पर घोड़ों द्वारा पानी पिया जाता है उस स्थान को घोड़ाखाल कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको घोड़ाखाल मंदिर के संबंध में बता रहा था। दोस्तों, कुमाऊँ की धरती पर न्याय के देवता गोलजू में जन जन की आस्था है। घोड़ाखाल मंदिर में श्रद्धालु अपनी मन्नतों को कागज पर लिखकर एक स्थान पर टांग देते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि गोलजू देवता उन मन्नतों से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। तो कागजों पर लिखी मन्नतों और मंदिर में टकी घंटियों से भक्तों का गोलजू महाराज के प्रति आस्था का अंदाज़ा स्वतः ही लगाया जा सकता है। दोस्तों, गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। इन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा भी जाता है। किंवदंतियों के अनुसार गोलू देवता की उत्पत्ति कत्तूर वंश के राजा झालराई से मानी जाती है, जिनकी तत्कालीन राज्य की राजधानी धुमाकोट चंपावत थी तथा गोलू देवता की माता का नाम रानी कलिंगा था। गोलजू भगवान को गौर भैरव यानी शिव का अवतार भी माना जाता है। घोड़ाखाल में गोलजू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण हैं। गोलू देवता के मंदिर में विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। घोड़ाखाल में गोलजू देवता के मंदिर के स्थापना के विषय में बात की जाए तो स्थानीय लोगों के अनुसार गोलू देवता को घोड़ाखाल मंदिर में स्थापित करने का श्रेय मेहरा गांव की एक महिला को जाता है। यह महिला वर्षों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की, जिसके बाद गोलू देवता ने महिला की बात का सम्मान करते हुए उसके साथ चले गए। इसके बाद गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। दोस्तों, गोलजू मंदिर के समीप ही प्रसिद्ध सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित इस स्कूल की स्थापना 1966 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी। दोस्तों, यह विद्यालय पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन जी की देन है, जिनका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए काबिल अफसर तैयार करना था। दोस्तों, घोड़ाखाल मंदिर से आप
भीमताल नगर की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी मैं चलता हूँ घर को, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में कुछ नया लेकर। अपना प्रेम मुझसे बनाए रखें। धन्यवाद।